Hello, students. I am Group Captain Ashok Kumar. आपके साथ फिर से कनेक्ट हुआ हूँ। इस बार जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको काफ़ी लोग नाम से ही डरते हैं। जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है क्रिप्टोग्राफी। इस मॉड्यूल में खाली हम इसको बहुत ऊपर ऊपर लेवल से टच करेंगे, बाकी मॉड्यूल में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप में एक डोमेन है, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बचपन में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे या हायर एजुकेशन में हमने मैथमेटिक्स पढ़ा, तो हम अपने टीचर से हमेशा यही पूछते थे कि साहब ये इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका यूज़ क्या होगा। पर जब साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी पढ़ी तो समझ में आया कि ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन अच्छी है तो आपको क्रिप्टोग्राफी से ज़रा भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, क्रिप्टोग्राफी वर्ड का मतलब समझेंगे और क्रिप्टोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कितनी तरह की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज़ की जाती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, हम समझेंगे कि इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन की इम्पोर्टेंस क्या है और इंक्रिप्शन काम कैसे करता है, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये क्या होती है। साथ ही साथ इसके एक और क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं वन वे क्रिप्टोग्राफी, तो उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। तो कुल मिलाकर के बेसिक्स इस हम मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। क्रिप्टोग्राफी है क्या? क्रिप्टोग्राफी जो है, दिस इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग और हाइडिंग सीक्रेट्स। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो राजे महाराजे एक मैसेंजर के हाथ जो मैसेज भेजते थे उसको किसी सफ़ेद कागज़ पे या किसी चीज़ पे ऐसी इंक से लिखते थे जो कि सूखने के बाद दिखाई नहीं देती थी, और जब दूसरे सिरे पर जब वो मैसेज पहुंच जाता था तो उसमें या तो आग से गर्म करते थे या कुछ और टेक्निक लगा के, दूसरा केमिकल लगा के वो मैसेज दिख जाता था। तो क्रिप्टोग्राफी आज ही नहीं, ये बहुत पुरानी टेक्निक है सीक्रेट मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की। क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपका डेटा आपके कंप्यूटर में है, जिस तरह से हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती चली जा रही है, मोर एंड मोर डेटा जो है आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क चोरी हो जाए तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स गलत हाथों में पड़ सकती हैं। तो इसके लिए टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि हम हार्ड डिस्क को ही इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि हार्ड डिस्क अगर चोरी हो जाए या खो जाए तो आपके डेटा का लॉस ना हो। डेटा गलत हाथों में पड़ता है तो उसको कोई मिसयूज ना कर पाए। क्रिप्टोग्राफी जो डेवलप हुई थी वो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में दुश्मन की होने के बावजूद आपस में कैसे सिक्योर कम्युनिकेट करना है उसके लिए इसकी ईजाद हुई थी। इसको पहले खाली मिलिट्री में यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में इंटरनेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस में क्रिप्टोग्राफी का यूज़ है। आप चाहे ईमेल ले लीजिए, चाहे आप जो बैंक ट्रांजेक्शन देख लीजिए, सब में हम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कोई भी साइट देखिए, फॉर एग्जांपल onlinesbi.com, तो उसमें जैसे ही आप देखेंगे URL एड्रेस https, नॉर्मली यू विल फाइंड HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जैसे ही इसके बाद एक एस लग जाता है तो वो सिक्योर प्रोटोकॉल में चला जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और लेफ्ट साइड में आप उसके देखेंगे एक पैडलॉक, एक ताले का निशान बन जाता है। तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर साइट और पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिक्योर एप्लीकेशन है, उसमें हम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, डेटा को हम तीन तरह से स्टोर कर सकते हैं।
रख सकते हैं, डेटा इन मोशन, डेटा एट रेस्ट एंड डेटा इंटेग्रिटी। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हेन वी से डेटा इन मोशन, इसका मतलब डेटा या तो नेटवर्क पर ट्रेवल कर रहा है, या डेटा एक मीडिया से दूसरी जगह मूव कर रहा है, कॉपी हो रहा है। डेटा एट रेस्ट, डेटा एक जगह स्टोर्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। डेटा इंटेग्रिटी मीन्स जो डेटा हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, ये ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचा है या नहीं। तो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कैसे करते हैं? जैसे कि हमने पहले देखा था कि HTTPS, जब हम डेटा ऑनलाइन बैंकिंग पे जाते हैं या सिक्योर मेल में जाते हैं, तो एक सिक्योर चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो डेटा इन मोशन में हमारी क्रिप्टोग्राफी हेल्प करती है। डेटा एट रेस्ट में क्रिप्टोग्राफी हमारी कैसे हेल्प करती है? हम ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वेराक्रिप्ट इज वन ऑफ द टूल्स विच कैन बी यूज्ड। आज की तारीख में जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने ही एक बिट लॉकर करके एक अरेंजमेंट दिया है, जिससे कि आप पूरा ड्राइव को ही एनक्रिप्ट कर सकते हैं। डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में टैम्पर ना हो, उसके लिए हमारे डाटा इंटीग्रिटी एल्गोरिथम्स हैं, जिनको हम आगे टच करेंगे। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी आर प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, द की, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स। प्लेन टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट आपका डेटा है जिसको कि हम सीधे सीधे किसी भी एप्लीकेशन से डायरेक्टली खोल सकते हैं, जैसे कि वर्ड फाइल है, आप डबल क्लिक कीजिए, अगर कोडेड नहीं है तो सीधे सीधे खुल जाएगा। कई बार आपने देखा कि कोई फाइल आपसे पासवर्ड मांगती है, मतलब वो फाइल ऑलरेडी कोडेड है, तो वो जो फाइल है वो एक तरह से विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इट हैज बीन कोडेड। तो उसको अगर हम देखेंगे, अगर किसी मेथड से खोल के देखते हैं, तो इट विल बी ए गार्बल्ड मैसेज, वी विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, तो उसको हम प्रेफर करते हैं एज ए साइफर टेक्स्ट। जो इसको ओपन करने के लिए हम पासवर्ड यूज करेंगे या कुछ और भी मेथडोलॉजी यूज कर सकते हैं, उसको हम रेफर करते हैं एज ए की, राइट? द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग द रॉ डेटा, जो प्लेन टेक्स्ट को हमने कोड में कन्वर्ट किया, उसको रेफर करते हैं एनक्रिप्शन। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन प्रोसेस। और की डालने के बाद जब हम ओरिजिनल डेटा को रिकवर करते हैं, वो प्रोसेस को बोला जाता है डिक्रिप्शन। डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिटेल में इसमें अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्रिप्टोग्राफी की वो मेथड है जिसमें के हमें पता चलता है कि ये डेटा किसने भेजा है, ये ओरिजिनल इसी का डेटा है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट को फेक नहीं किया जा सकता, राइट? डिटेल में आप अगर बहुत समझना चाहते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में, तो एक टूल है, ओपन सोर्स टूल है, नोन एज क्रिप्ट टूल। उसका एड्रेस स्लाइड में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपका डर है क्रिप्टोग्राफी के बारे में, वो सब निकल जाएगा। क्रिप्टोग्राफी को समझने का इससे अच्छा और कोई टूल नहीं है। आपको बहुत क्लासिकल और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। क्रिप्टोग्राफी होती कितने प्रकार की है? जैसा कि हमने अभी देखा था कि हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं, की डालते हैं और हमको साइफर टेक्स्ट मिल जाता है। फिर इसी साइफर टेक्स्ट के ऊपर हम की और एल्गोरिथम की वजह से चला के हम उसको ओरिजिनल डेटा को रिकवर कर लेते हैं। तो इसमें तीन चीज आ गई, एल्गोरिथम, की और साइफर टेक्स्ट। तो जब हम कोडिंग और डिकोडिंग मींस
इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। इसके अलग एडवांटेजेस हैं और अलग बहुत एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। दूसरी तरह की क्रिप्टोग्राफी है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें हम इंक्रिप्शन के लिए एक की का इस्तेमाल करते हैं और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट ए गिवन टाइम पब्लिक की में आपके पास दो कीज होती हैं, एक जो सेंडर अपने पास रखता है प्राइवेट की को, और पब्लिक की को पब्लिसाइज कर देता है। इट इज लाइक फोन नंबर जो कि सबको पता है, तो उस सबको यूज करके प्राइवेट की को यूज करके मैं डेटा दूसरे के पास भेजता हूं, वो डेटा मेरी पब्लिक की से ही खुल सकता है, या जिस किसी को मुझे डेटा भेजना है वो मेरी पब्लिक की ले, उसे डेटा को कोड करे और मुझे भेज दे, वो डेटा मेरी प्राइवेट की के अलावा किसी से नहीं खुलेगा। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि डेटा इंटेग्रिटी चेक, कि हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो डेटा रास्ते में कहीं टेम्पर तो नहीं हो गया, उसके लिए हम जो यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम उसको बोला जाता है वन वे क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या करता है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिससे हम प्लेन टेक्स्ट को पास करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट कर देता है, जो कि अगर डेटा थोड़ा सा भी इसमें चेंज हुआ, एक स्पेस भी एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डेटा के साथ हम इसकी हैश वैल्यू भी अगर रखें और एंड पे रिसीव कर लें, तो डिकोड करते समय हमें पता चल जाएगा, सबसे पहले हम हैश वैल्यू कंपेयर करें, अगर हैश वैल्यू भेजी हुई और जो हमने कैलकुलेट की है दोनों मैच कर जाती हैं, इसका मतलब डेटा रास्ते में टेम्पर नहीं हुआ है। तो ये हमें डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए वन वे क्रिप्टोग्राफी बहुत मदद करती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से एप्लीकेशन में किस तरह की क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाए। आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो की को डिस्ट्रीब्यूट करने का है। आपके पास प्राइवेट की है, पब्लिक की है, सिमेट्रिक की है, तो की दोनों एंड्स पे होना चाहिए ना। सिमेट्रिक की में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सेम की सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होना चाहिए, तो रिसीवर अगर डिस्टेंटली लोकेटेड है तो वो उसके पास की कैसे भेजेंगे। अगर मैं की भेज रहा हूँ रास्ते में मेरा डेटा अगर टैप हो जाता है तो की कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने दूसरी टेक्निक यूज करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, कि मैं सिमेट्रिक की को, सिमेट्रिक की यूज करने का मेन मकसद है ये बहुत फास्ट होती है, इट्स वेरी एफिशिएंट। तो डेटा कोडिंग जब हम कर देते हैं सिमेट्रिक की से, उसके ओवरहेड बहुत कम लगते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, पीके यूज करते हैं। सेंडर अपनी प्राइवेट की से की को कोड कर देता है और दूसरे एंड पे दूसरी की से उसको डिकोड कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम ये सिक्योर की ट्रांजैक्शन एक सेंडर और रिसीवर के बीच में कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी के एप्लीकेशंस, जैसे कि द बेसिक क्रिप्टोग्राफिक यूसेज इज सीजर मेथड, जिसमें सिंपल ये करते हैं कि अल्फाबेट ए को थर्ड या फोर्थ से या थर्टींथ से रिप्लेस कर दिया, पूरी 26 लेटर्स की जो अल्फाबेटिक्स हैं उनको हम रोटेट कर दें, मतलब ए रिप्लेस बाय सी, बी रिप्लेस बाय डी एंड सो ऑन। तो इससे इमीडिएटली जो हमारा डेटा है सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। इफ यू पास इट थ्रू सर्टन कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, इट इज वेरी इजी टू क्रैक, बहुत आसान होता है इसको डिक्रिप्ट करना, बट इमीडिएटली फर्स्ट लुक में वी कैन हाइड आर इंफॉर्मेशन। और अभी भी इसका इस्तेमाल नेट पर बहुत होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे हार्ड डिस्क में बहुत कंटेंट्स हैं जिसको हम चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, तो वो हार्ड डिस्क के कंटेंट को हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ बिटलॉकर और वेराक्रिप्ट, टू क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है अभी, जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, डेटा इन मोशन है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आप अगर उसको पे नहीं करेंगे, जो चैनल्स हमारे फ्री टू द एयर नहीं हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? उनको हम यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हम उनको सेव करते हैं। नेट बैंकिंग, सिक्योर ट्रांजेक्शन्स आप यूज़ करते हैं, पेमेंट कहीं से भी, किसी के लिए भी पेमेंट की जा सकती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं क्रिप्टोग्राफिक है। तो कुल मिलाकर के इस छोटे से मॉड्यूल में क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने क्या क्या सीखा कि क्रिप्टोग्राफी जो है वो एक आर्ट है, एक साइंस है, जिससे कि हम डेटा को हाइड कर लेते हैं। इंक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो डेटा को कोड करने में यूज़ होता है। डिक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो डेटा को डिकोड करने में यूज़ होता है। की का इस्तेमाल किया जाता है एल्गोरिथम के साथ डेटा को कोड करने के लिए। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी जो है वो एफिशिएंट है, और इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ओवरकम करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से। हैश फंक्शंस हमारी मदद करते हैं डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि हमारे डेटा को किसी ने टेम्पर नहीं किया है। तो इस मॉड्यूल में इतना ही बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी। इसमें आपको कोई समझने में दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई चीज़ समझ ना आए, आप हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जरूर रिवर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।